pressure for pressure exerted by a गैस। अब इसमें हमने क्या करा था कि इसमें ना हमने एक ट्यूब ले लिया था। सपोज द साइड्स ऑफ द ट्यूब आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैंने ये क्यूब ले लिया था और उस क्यूब के अंदर मैंने ये अज्यूम करा था कि उस क्यूब के अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो मैं एक क्यूब ले रहा हूँ। अब जरा वो देखिएगा, ये क्यूब हमने बना दिया और इस क्यूब में मैंने ये बोला कि यहाँ पर इतना इसका एक पोर्शन ना थोड़ा सा पोर्शन शेव कर रहा है, इसका थोड़ा सा पोर्शन शेव कर रहा हूँ। देखिए ये वाला इतना पोर्शन हमने ले लिया। मैंने बोला कि जो इतना वाला पोर्शन है ना, इस क्यूब का जो इतना पोर्शन है, इतने पोर्शन में हमें ये देखना है कि गैस मॉलिक्यूल्स का पोजीशन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि यहाँ पर एक कॉर्नर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई गैस का मॉलिक्यूल है, इसकी वेलोसिटी है vx कॉमा vy कॉमा vz, vx कॉमा vy कॉमा vz। ठीक है, अगर ये दिखाई ना दे रहा हो तो मैं मिटाकर थोड़ा बाहर बना रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा छोटा लिखा है। यहां पर देखिएगा, मॉलिक्यूल्स इस जगह पर गैस के मॉलिक्यूल्स की मैं तीन वेलोसिटीज लिख रहा हूं, vx कॉमा vy कॉमा vz। ये वेलोसिटी है इसकी, मतलब एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में vx है कंपोनेंट वेलोसिटी का, वाई के डायरेक्शन में vy है और जेड की डायरेक्शन में vz है। ठीक है, ये गैस का मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक गैस के मॉलिक्यूल को सोचो, होंगे तो बहुत सारे। अब मुझे बहुत सारों से मतलब नहीं है, मैं तो एक की बात करूंगा, VX, VY, VZ। फिर ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल यहां से चला और यहां से जाकर ये टाइम डेल्टा टी में ये यहां पर टकराया। कितना टाइम? डेल्टा टी टाइम। ठीक है, हम ये कहेंगे दिस पार्टिकल स्ट्राइक्स द फेस ऑफ द क्यूबिकल वेसल ऑन टू द राइट एज शोन, ऑन टू द राइट एज शोन। ये यहां पर टकराया, टकराने के बाद ये वापस आया, टकराने के बाद ये पार्टिकल वापस आया, और वापस जब ये आया तब इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए? vx डैश, vy डैश और vz डैश। मैंने ये इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, vx डैश, vy डैश और vz डैश। यहां पर हम ये कहेंगे वो कोऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी है? ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यहां पर वी एक्स डैश, वी वाई डैश और वी जेड डैश, लेकिन यहां आप माइनस लगा दो। और हाँ,
जो ये वाले हैं इनको भी बोलो वी एक्स डैश वी वाई डैश और वी एक्स डैश वी वाई डैश और वी जेड, वी जेड को आप वी जेड डैश नहीं बोलोगे, वी जेड को वी जेड ही रहने दो, इसको बोलो वी एक्स डैश वी वाई डैश और इसको वी जेड, किसी तरह से इसको वी एक्स डैश वी वाई डैश और इसको सिर्फ वी जेड। जेड वाले को मैं डैश क्यों नहीं लगा रहा हूँ उसमें, मैं अभी आपको बताऊंगा, एक मिनट रुक जाइए बस, ठीक है। और यहाँ माइनस क्यों लगा दिया वो भी बताता हूँ। हमने इस क्यूब को कुछ इस तरह से रखा है, हमने इस क्यूब को कुछ इस तरह से रखा है कि ये वाली जो एक्सेस है, ये वाली एक्सेस एक्स एक्सेस है, ये वाली जो एक्सेस है, ये वाली एक्सेस वाई एक्सेस है, ये डॉटेड दिखाई दे रही है, और ये वाली जो एक्सेस है ये जेड एक्सेस है। उसमें एक काइनेटिक फ्लूइड ऑफ गैसेस का एक डेरिवेशन का पेपर है अभी, तो होगा जरूर, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर जो पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी को मैंने माना वी एक्स डैश वी वाई डैश और वी जेड डैश नहीं बोल रहा हूँ, वी जेड बोल रहा हूँ सर। फिर ये टकरा के जब वापस आया तो मैं कह रहा हूँ कि एक्स की डायरेक्शन अब क्या होगी, पहले एक्स की डायरेक्शन इस तरफ थी, राइट साइड में थी, तो वेलोसिटी थी वी एक्स डैश, लेकिन अब ये आ रहा है एक्स की उल्टी डायरेक्शन में। जब ये एक्स की उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है तो मैंने क्या कहा कि अब जो एक्स वाला कॉम्पोनेंट है वो नेगेटिव हो गया, लेकिन जो वाई वाला है वो पॉजिटिव ही रहा। उसका रीजन क्या है कि जब ये एक्स एक्सिस है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो फिर ये तो हमारा ओरिजिन हो गया, तो अभी भी जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है वी वाई वाला वो अभी भी ओरिजिन से ऊपर ही ऊपर है, तो इस वजह से जो हमारी वाई वाली वेलोसिटी है वो वी वाई डैश ही रहेगी। जो जेड वाली वेलोसिटी है वो उसको मैंने वी जेड और वी जेड ही मान लिया है। उसका रीजन क्या है कि जो हमारा मोशन हो रहा है ना उसमें आगे और पीछे कहीं भी नहीं जा रहा है पार्टिकल, ठीक है। देखो लेफ्ट या राइट अगर पार्टिकल का मोशन होता है लेफ्ट या राइट तो उसको हम बोल देते हैं माइनस एक्स डायरेक्शन और प्लस एक्स डायरेक्शन। टॉप या बॉटम में अगर मूवमेंट मूवमेंट होता है तो उसको मैं बोल देता हूँ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और नेगेटिव वाई डायरेक्शन। आगे और पीछे अगर डायरेक्शन आगे और पीछे अगर मूवमेंट होता है तो उसको जेड बोलता हूँ, क्योंकि जेड यहाँ पर क्या दिखा रखा है आगे वाला, हमने 3D फिगर है तो हमने इसको टिल्टेड करके दिखा दिया, जेड का मतलब है ये आगे वाला। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गैस का पार्टिकल है इसका मोशन मैं दिखा ही सिर्फ राइट और लेफ्ट में रहूं, तो ऊपर और नीचे तो आप देख ही रहोगे, इसकी पोजीशन पहले ऊपर थी अब नीचे होगी, तो इसका मतलब वी वाई जो है उसमें तो चेंज होगा, लेकिन जो मेजर चेंज है डायरेक्शन का वो आपका एक्स में दिखाई दे रहा है और जेड में तो कोई चेंज ही नहीं है, जेड का कोई रोल ही नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि हम पार्टिकल हमारा ऐसे और ऐसे जा रहा है, वो आगे पीछे जा ही नहीं रहा है। मेरी बात यहां तक क्लियर बताइए जी, यहां तक क्लियर है? आगे चलो। yes. उसके बाद मैं इसमें ये बोलूंगा कि द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज, वो देखिएगा, द चेंज इन मोमेंटम, the change in momentum of the molecule is, the change in momentum of the molecule is, क्या change हो जाएगा भाई? पहले जो momentum था वो क्या था, यहां से यहां जो इसका mass था वो m था, है ना? तो जो initial momentum है उसका initial momentum क्या था, हम ये कहेंगे change in momentum हो जाएगा final momentum माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, मास तो है m, ठीक है, और वेलोसिटी फाइनली वही पहले पोजीशन, पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, vx थी, फिर यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई यानी कि माइनस vx हो गई, तो m इनटू माइनस vx, ये तो हो गया फाइनल मोमेंटम। और माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम मास को m था और वेलोसिटी vx थी, तो m into vx। तो यहां मैं इसको देखूं, अरे यार ये तो दिखाई नहीं दे रहा और आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो,
नीचे का दिखाई नहीं देगा और कुछ बोल ही नहीं दे कर सकते हाँ बिल्कुल सिर्फ x में मेजर मोशन दिखाई दे रहा है इसलिए x का निकाल रहे हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अभी दिखाई दे रहा है हर्ष यस सर ओके फाइनल मोमेंटम नेट ना ढंग से नहीं चला तो अटक अटक अच्छा 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 कोई बात नहीं देखते रहो m इनटू माइनस vx माइनस m इनटू vx तो माइनस को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स ये बन जाएगा माइनस टू एम वी एक्स माइनस टू एम वी एक्स ठीक है माइनस टू एम वी एक्स अच्छा उसके बाद हम ये कहेंगे कि इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच पार्टिकल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट distance covered by each particle from left to right is equal to vx delta t left to right का मतलब मैं x direction की बात कर रहा हूँ तो आप ये देखिएगा कि जब velocity vx है x की direction में जब velocity vx है और हम ये कहते हैं कि सिर्फ इतने टुकड़े में इतने portion में मैं gases का motion study करना चाहता हूँ सिर्फ इतने वाले portion में मैं gases का motion study करना चाहता हूँ तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला distance कितना हो जाएगा जब वेलोसिटी वी एक्स है और टाइम दे रखा है डेल्टा टी तो स्पीड इनटू टाइम ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस तो ये हो गया वी एक्स इनटू डेल्टा टी हमारा डिस्टेंस हो गया फिर हम ये कहेंगे ऑन एन एवरेज ऑन एन ऑन एन एवरेज half the molecules on an average half the molecules half the molecules are moving towards the wall are moving towards the wall moving towards the wall and other half away from the wall and other half away from the wall देखिए ये जो कहानी है ये मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है आप ये देखिएगा कि इसमें जो पार्टिकल्स है ना वो पार्टिकल्स जैसे मान लो यहां से एक पार्टिकल चला मैं सिर्फ इतने वाले पोर्शन मतलब क्यूब के आधे पोर्शन में मैं स्टडी करना चाहता हूँ मैं क्यूब के आधे पोर्शन में स्टडी करना चाहता हूँ तो आप ये देखिएगा कि अगर यहाँ से एक पार्टिकल चला वो टकराया यहाँ पर तो वही टकरा के वापस आएगा तो अगर मैं इसके सारे मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना चाहूंगा ना तो एट अ टाइम एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर मुझे सेम मॉलिक्यूल यहाँ से जाके टकरा के वापस आता हुआ नजर आएगा तो एक ही मॉलिक्यूल मुझे दो दो बार दिखाई देगा समझ लो एक ही मॉलिक्यूल मुझे दो दो बार दिखाई देगा हम ये कहेंगे कि अभी मैंने इसको काउंट करा था तुरंत वो टकरा के वापस भी आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वही मॉलिक्यूल मुझे दोबारा दिखाई देगा तो एवरेज अगर निकाला जाए तो अगर मेरे को 10 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं तो वो 10 नहीं है वो 5 है क्योंकि 5 ही मॉलिक्यूल टकरा के वापस भी आ रहे हैं तो अगर मैं उनको काउंट करने बैठूंगा तो मुझे एक ही मॉलिक्यूल दो दो बार दिखाई देगा क्योंकि एक बार वो इधर गया फिर टकरा के वही मॉलिक्यूल वापस आया तो इसलिए सामने से ऐसे ही देख रहे हैं तो हमें ये ऐसे टकरा के वापस क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है ना तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे
ऑब्जर्व करते टाइम हम ये देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल जा रहा है टकरा के वही वापस आ रहा है। तो अगर 50 मॉलिक्यूल है तो 50 मॉलिक्यूल जाएंगे और 50 मॉलिक्यूल आएंगे तो मुझे वो 100 नजर आएंगे जबकि है वो 85, जबकि है वो 85, ठीक है ना। तो अब अभी देखिएगा ये जो हाफ वाला कॉन्सेप्ट है ये इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर हम ये कहेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग वॉल ऑफ एरिया कैपिटल ए, देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग वॉल ऑफ एरिया कैपिटल ए, in time delta t, is equal to half तो पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे उतने मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में होंगे नहीं, उनके आधे होंगे। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेटिंग का एरिया इनटू, फिर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आप ये कहिए कि यहां से लेकर यहां तक वाला डिस्टेंस तो वी एक्स डेल्टा टी है और ये जो ये वाला वॉल है ना, इस वॉल का जो एरिया है, इस वॉल का एरिया है ए, एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू कैपिटल ए। तो इसका एरिया कैपिटल ए है और ये इसकी क्या हो गई, एक तरह से क्यूबॉइड बन गया। तो एरिया कैसे बनेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ करके, तो लेंथ इनटू ब्रेथ मेरे पास है और हाइट ये वाली होगी, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगी। तो मैं ये कहूंगा हाफ इनटू ए में अगर मैं डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि vx डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर दूं तो ए क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और vx डेल्टा टी क्या है, एक तरह से इसकी हाइट हो गई, ठीक है ना। तो हमारे पास इस एरिया में अगर ये हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हाफ तो इस वजह से हो गया क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आगे रह जाने हैं, ये वॉल्यूम हो गया a into vx delta t, ये वॉल्यूम हो गया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये है कि 1 मीटर क्यूब में अगर कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स हैं अगर उसको पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा मुझे दुगने नजर आएंगे। तो उसको इसीलिए मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि जितने जा रहे हैं उतने टकरा के वापस आ रहे हैं। बताइए जी क्लियर है इतना, अभी देखो मैं इतने वाले टुकड़े को अलग निकाल लेता हूँ, सिर्फ इतने टुकड़े को, तो आप ये देखो इतना सा टुकड़ा जो है अगर मैंने इतना टुकड़ा अलग निकाल लिया इतना टुकड़ा अलग निकाल लिया तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये तो हो गई ये वाला हिस्सा, ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया ब्रेथ और ये हो गई लेंथ और ये क्या हो गई इसकी लेंथ बोल दो या हाइट बोल दो, ये हाइट होगी और ये हो गया वीएक्स डेल्टा टी। तो अगर ये हमारे पास एल है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो एल इंटू बी इंटू एच ही तो होता वॉल्यूम, volume is equal to l into b into h, ठीक है। अब ये b into h जो है, b into h मतलब इसको और इसको अगर multiply करते हैं तो ये वाला area आ जाएगा, है ना। इसका area मुझे दे रखा है capital A, तो b into h की जगह तो मैं डाल दूंगा capital A और ये जो length है इसकी जगह मैं डाल दूंगा vx delta t, तो a vx delta t मेरे पास total क्या आ गया, ये volume आ गया, ठीक है। बताइए बेटा volume clear है सभी को, ये इतना सा टुकड़ा है इधर वाला जिसमें मैं गैस का मोशन स्टडी कर रहा हूँ, उसको मैंने निकाल के अलग यहाँ पर एक तरह से इसमें से काट कर अलग निकाल कर रख दिया और ये बता रहा हूँ कि इसका वॉल्यूम a into vx डेल्टा t होगा। ये क्लियर है ऐश्वर्य, ध्रुव, हर्ष, ईशान? यस सर, क्लियर है इतना, ठीक है। अब
पूरी वॉल्यूम इतनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे उसको पूरी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे वॉल्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाएंगे, और वो मॉलिक्यूल्स हमेशा मुझे दुगने मिलते हैं तो उसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसलिए मैंने हाफ से मल्टीप्लाई करा है। इसके बाद आप ये देखिएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है इसको हम ले लेते हैं स्मॉल एम, बेटा ये हो जाएगा हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग वॉल ऑफ एरिया कैपिटल ए इन टाइम डेल्टा टी, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, अब ये निकालूंगा इधर से, अब मैं यहां से निकालूंगा बेटा मोमेंटम, अब मोमेंटम देखिएगा, हम ये कहेंगे टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल, ट्रांसफर्ड टू द वॉल, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल इन टाइम डेल्टा टी। अब जरा देखो ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन तो हमको ये दिखा रहा है, एक तरह से डायरेक्शन दिखा रहा है कि फाइनली जो हमारा मॉलिक्यूल है वो इधर आ गया, लेकिन जो चेंज इन मोमेंटम है वो तो यही है 2mvx, ठीक है, जो इसका मैग्नीट्यूड है वो तो 2mvx है। तो आप ये देखिए किस, हाँ बोलो सर, उधर हमने लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वहां n by v नहीं लिखना चाहिए? ना ना ना, स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया। अच्छा, और ये क्या है, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में तो स्मॉल n है, तो पूरे वॉल्यूम में कितने हो गए, वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम वाला मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो स्मॉल n है ना, ये स्मॉल n अपने आप में कैपिटल n अपॉन v है, ये स्मॉल n ही कैपिटल n अपॉन v है, मैं कैपिटल n अपॉन v ना लिखकर स्मॉल n लिख रहा हूं, समझ गए? बताओ क्लियर है कि नहीं? यस सर, है ना। अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते तो मैं तब मैं n अपॉन v लिखता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो n अपॉन v ही स्मॉल n है, सही है। तो इसलिए अब देखो कि एक एक मॉलिक्यूल का, मैंने गैस का एक मॉलिक्यूल लिया था, एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम 2mvx है, एक मॉलिक्यूल का, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इन सारे मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम कितना होगा, दिस इनटू दिस, समझ गए? एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना, तो सारे मॉलिक्यूल्स तो ये है, तो इन सारे मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम कितना, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 2mvx मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इनटू avx डेल्टा टी इनटू n, 2 से 2 कट गया और ये हो जाएगा, और इसको मैं बोलूंगा बेटा क्योंकि जब छोटा सा टाइम है डेल्टा टी तो मोमेंटम भी छोटा सा डेल्टा पी, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम एम वीएक्स स्क्वायर एन एम वीएक्स इनटू वीएक्स वीएक्स स्क्वायर ए डेल्टा पी, एन एम वीएक्स स्क्वायर ए डेल्टा टी। फिर हम कहेंगे फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल ऑफ एरिया कैपिटल ए, फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल ऑफ एरिया कैपिटल ए, तो भैया फोर्स का फॉर्मूला होता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये होता है आपका फोर्स का, फोर्स का फॉर्मूला। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी करेंगे तो डेल्टा पी की वैल्यू आ रही है एन एम बी एक्स स्क्वायर ए डेल्टा टी
अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पर डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, तो फोर्स आ गया एम एम वी एक्स स्क्वायर ए, एम एम वी एक्स स्क्वायर ए। फिर हम कहेंगे प्रेशर ऑन द वॉल, देयरफॉर प्रेशर ऑन द वॉल, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स कितना है, एम एम वी एक्स स्क्वायर ए अपॉन ए, ए से ए कैंसिल आउट हो गया बेटा, प्रेशर आ गया एम एम वी एक्स स्क्वायर, ये प्रेशर आ गया। फिर हम ये कहेंगे कि एज द मॉलिक्यूल्स मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज, as the molecules move with different velocities, so we replace vx square by its average value, so we replace Vx square by its average value, Vx square का mean है ना, Vx square को उसकी एवरेज वैल्यू से हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब रिप्लेस करने पर क्या हो जाएगा, जो प्रेशर है वो प्रेशर ये आ जाएगा, therefore प्रेशर इज इक्वल टू एन एम वी एक्स स्क्वायर का मीन, प्रेशर ये आ गया, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम वेलोसिटी से नहीं मूव करेंगे, अलग अलग वेलोसिटीज से मूव करेंगे, तो उनकी जितनी भी वेलोसिटीज है, अलग अलग जो वेलोसिटीज है उनके स्क्वायर का मीन, तो वी एक्स स्क्वायर का मीन निकाल दिया हमने, अलग अलग वेलोसिटीज हो सकती है। फिर हम ये कहेंगे मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज आर ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज are almost equally distributed in all directions, are almost equally distributed in all directions, are almost equally distributed in all directions, so by symmetry, so by symmetry vx square का mean, vx square का mean is equal to vy square का mean is equal to vz square का mean, तीनों ही बराबर हो जाएंगे, मतलब mean velocity x की direction में, y की direction में, z की direction में, तीनों के तीनों equal हो जाएंगे। अभी तक हमने ये कहा कि मैंने तो अभी तक मोशन जो है ना एक मॉलिक्यूल का सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में देखा, वही वो वाई की डायरेक्शन में भी तो मूव कर सकता है, वो जेड की डायरेक्शन में भी तो मूव कर सकता है, तो अब हम जनरलाइज एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, एक एक डायरेक्शन का स्टडी करके बाकी दोनों डायरेक्शन भी निकालेंगे, कि जैसा एक्स की डायरेक्शन में मोशन था वैसे वाई की होगा, वैसे जेड की होगा, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी जो वेलोसिटीज है हर डायरेक्शन में हमने बराबर बराबर ले ली। ये करने के बाद में अगर ये कहा जाए कि ये तीनों के तीनों इक्वल है, ये तीनों के तीनों वेलोसिटीज इक्वल है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि अब इन तीनों वेलोसिटीज का अगर मीन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, अगर तीनों का मीन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, v by 3। हाँ, तो vx square प्लस वीवाई स्क्वायर प्लस वीजेड स्क्वायर, तीन टाइप की वेलोसिटीज हैं, तो तीनों को ऐड करा और डिवाइड बाय थ्री करा के इनका मीन निकाल लेते हैं, ठीक है।
और जब तीनों ही इक्वल है, वी एक्स वी वाई वी जेड तीनों ही इक्वल है, तो आप वी एक्स वी वाई वी जेड को एक ही बोल दीजिए, आप वी ही बोल दीजिए, तो ये मेरे पास हो जाएगा वी स्क्वायर का मीन। कुछ टॉपिक्स डिफरेंट हो रहे हैं, ये रिवीजन के टाइम पता चलता है, इसलिए कह रहा हूँ मजाक वाली छोड़ो, रिवीजन कर दो स्टार्ट। रिवीजन के लिए स्टार्ट हो गया सर, फाइनल तब खत्म है। बारह बार कितना गया पढ़ा वो इंग्लिश का पेपर 1 मार्च को। अच्छा ये हो जाएगा 1/3 बी स्क्वायर का मीन इज इक्वल टू 1/3, और इनको आप सबको, इसको भी बी स्क्वायर, इसको भी बी स्क्वायर, इसको भी बी, सब सब जो है इसको आप बी स्क्वायर बोल दीजिए इसके मीन को, तो ये हो गया 1/3 बी स्क्वायर का मीन। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास जो ये बी एक्स स्क्वायर का मीन था, इसकी जगह जब मैं तीनों डायरेक्शन भी निकालना चाहता हूँ तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर 1/3 आ जाएगा इस बी एक्स स्क्वायर के मीन की जगह, तो ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू अच्छा तो ये हो गया पी इज इक्वल टू 1/3 एन एम इंटू बी स्क्वायर का मीन। ठीक है जी, उसके बाद आप ये देखिएगा, सिंस एन, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये, है ना। तो इसका मतलब अगर इसको हमें ये देखना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि n अपॉन 1, पर यूनिट का मतलब क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम के लिए, तो पर का मतलब अपॉन में और यूनिट का मतलब 1, तो n अपॉन 1 इंटू m, ये क्या हो जाएगा m अपॉन 1 इंटू m, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा रो। कैसे, ये कैसे, हमने ये कहा कि ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, मास अपॉन वॉल्यूम, और ये हो गया मास, ठीक है, और मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एक का मास जो है वो तो m है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने m पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम यहां पर होंगे, तो एक यूनिट वॉल्यूम के लिए डेंसिटी कितनी हो गई, ये टोटल, ये एक का मास m है, तो टोटल मास कितना हो गया, n मॉलिक्यूल्स इनटू m, टोटल मॉलिक्यूल्स का मास, तो n अपॉन 1 ये हमारा डेंसिटी हो गया। बताइए क्लियर है यश, यस समझ गए। चलिए जी, अब इसके बाद हम ये बोलेंगे कि जो n m है ना, ये सिंपल जगह रो लिख देंगे बस, 1/3 रो वी स्क्वायर का मीन, ये है सर जो रो नहीं समझ आया, दोबारा बोलो सर, वो रो वाला पार्ट क्या लिखा है, वो मेरा रो वाला पार्ट में क्या लिखा है, वो मेरी ब्लर आ रही है स्क्रीन। अच्छा अच्छा ओके, देखो इसमें मैंने ये बताया आपको कि ये है m, क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम, अब मैंने अपॉन में लिख दिया यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आपको यूनिट दे रखी है वॉल्यूम की, तो
जब नीचे वॉल्यूम मैंने सेपरेट कर दिया इसमें से, तो अब तो ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स रह गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम तो मैं नीचे ले गया, तो नीचे आ गया बेटा मेरे पास वॉल्यूम, ये नीचे है वॉल्यूम, ऊपर ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बस पर यूनिट वॉल्यूम तो नीचे आ गया। एक मॉलिक्यूल का मास n है, तो n मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा, n into m, तो ये मास हो गया टोटल मास। ओके सर, बताइए क्लियर है, बोलो। यस समझ गए। चलिए जी, तो यहां से हमारा p is equal to 1 upon 3 rho v square का मीन ये आ गया। और बताइए, और किसी टॉपिक पर डाउट हो तो। नो सर, ईशान हमारा मेन मैन है, अभी उसके अभी दो तीन टॉपिक्स बचे हैं। मैं मैम से कह रही थी जैसे डे वो हमारा स्कूल में खत्म हुआ ना, तो दो तीन टॉपिक उसमें से, मतलब दो तीन टॉपिक अपने आप देंगे, क्योंकि वो मेरे ख्याल थोड़ा ना वो ये अंदर पड़ा है, मतलब जब लास्ट में आते आते वो ही अति बने स्कूल जो भी चैप्टर। हाँ जी बताइए, करवाऊं फिर वेव्स जो अभी बचा हुआ है ये नेक्स्ट क्लास में करा दूं, नेक्स्ट क्लास में, हां आज लोग 10 मिनट बचे हैं नेक्स्ट, वो एवरेज वाला पार्ट आता है, कौन सा वाला, इसके बाद वाला आता है, एवरेज वाला पार्ट आता है। अच्छा, देख लेना, और कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना, पूछिए ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हां आता है, हाँ सर वो आता है। अच्छा, चलो ठीक है, तो फिर वो वेव्स वाला फिर मैं आपको बाद में करा दूंगा बेटा, ऐश्वर्य ब्रो वेव्स वाला बाद में करा देंगे। सर क्लास में आप 1 मार्च चलोगे क्लास? ओके सर, मेरा ठीक है, ओके सर, चलिए जी फिर, ओके।